एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूट्यूबर एल्विश यादव को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एल्विश यादव पर सांपों का जहर निकालकर उसे रेव पार्टी में पहुंचाने का संगीन आरोप है। ये केस पिछले साल नवंबर में ही दर्ज किया गया था, लेकिन लैब में जहर की जांच चल रही थी और एल्विश यादव अब तक बचते रहे थे। अब पुलिस के हाथ सबूत लगा है, तो सबसे पहले एल्विश यादव को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से सनसनी मचाने वाले एल्विश यादव की रातें अब जेल में कटेंगी। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व, मिलिए माइकल आर पोम्पेयो से। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर उनकी राय? दुनिया के मंच पर भारत उदय के बारे में क्या सोचते हैं पोम्पेयो? ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। स्थिति को जानते हुए हम लोग बराबर चुनाव के मूड में रहते हैं, इसलिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। वो लोग समझें जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, झूठों का बाजार गर्म कर रहे हैं। झूठ का बाजार गर्म करने में जिनको माहिर है जो लोग समझें। राहुल के बयान पर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 50 साल तक देश में राज किया और आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि इतने वर्षों तक लोगों के साथ अन्याय होता रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका गठबंधन बिखर जाएगा। मौजूद हैं बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं? नहीं, वो कर ले, मगर एक इशू बेस्ड करें जो सही हो। न्याय की बात करते हैं, महिलाओं पे करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आपकी सरकारें रही हैं 50 साल, आप बताइए 50 साल में आपने औरतों को, गांव की औरतों को 400 सिगरेट पीने का धुआं लेने की क्यों आदत डलवाई? अन्य स्कीमें हैं, पानी पीने का है, ये सब है, आप कर लेते? ये अन्याय है या न्याय है? उनका अधिकार दिलवा रहे हैं हम तो। मोदी जी ने तो उनके अधिकार की बात करी। लगातार आरोप लगाते रहे कि बीजेपी नफरत फैलाती है और वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। नफरत फैलाती है, पहले तो राहुल गांधी थोड़ा आत्मचिंतन करो। आपकी पार्टी में क्या हो रहा है, क्यों नाराज हैं लोग और क्यों छोड़ के जा रहे हैं एक के बाद एक, पहले अपनों को तो जोड़ लो। रैली भी मुंबई में राहुल गांधी आज कर रहे हैं, तमाम जो इंडिया अलायंस के नेता हैं उसमें जुटने जा रहे हैं। नहीं, वो जाए वहां पर समापन करें, मगर नेता उनके साथ कौन है कौन नहीं है इसका भी चिंतन हो जाए। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान इस वक्त सज चुका है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक साथ दो समन्स भेजे हैं। दिल्ली जल बोर्ड केस में ईडी ने आज केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो वहीं शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से ईडी 21 मार्च को पूछताछ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मंच पर नीति निर्माता, दुनिया भर से आए समाज में बदलाव लाने वाले प्रतिनिधि और एजेंडा निर्धारक शामिल होंगे एक बड़ी चर्चा में। ये मंच बनेगा गवाह भारत के विकास की असाधारण कहानी और उसकी असीमित क्षमता पर चर्चा का। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 नेटवर्क पर। परफॉर्मेंस,
से पहले ही पक्ष और विपक्ष की तैयारी जोरदार रही। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों का दौरा कर चुके हैं। कौन कितना मजबूत है, इस रिपोर्ट के जरिए इस लोकसभा के माहौल में समझाते हैं। सज गया 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई का मैदान। चुनावी जंग में पीएम मोदी की तैयारी प्रचंड। मैदाने जंग में राहुल गांधी का दिखा दमखम। गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना है, पिछड़ों के हाथ में कितना है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान के बाद चुनाव आयोग की कुछ बंदिशों के साथ सभी पार्टियों के नेता मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच परिवारवाद, नागरिकता संशोधन कानून और मोदी की गारंटी जैसे एजेंडे के साथ जनता के बीच गए। वहीं राहुल गांधी ने भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जनता के बीच जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यानी 2 जनवरी से 15 मार्च के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 राज्यों की 488 लोकसभा सीटों और राहुल गांधी 15 राज्यों की 357 सीटों को कवर कर चुके हैं। महाविकास अघाड़ी के सीट शेयरिंग फॉर्मूले का आज हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ सीक्रेट मीटिंग में तय हुआ फॉर्मूला। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आज दिल्ली में अहम बैठक। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बेगूसराय और कटिहार सीट पर फंसा है पेच। वहीं एनडीए की सीट शेयरिंग पर मुहर लगाने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज पहुंचेंगे दिल्ली। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया इलेक्टोरल बॉन्ड पर नया डेटा। राजनीतिक दलों की ओर से मिली जानकारी। इलेक्शन कमीशन ने सार्वजनिक की बॉन्ड नंबरों को जारी करने पर आज हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसबीआई से कोर्ट ने मांगा है जवाब। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और समन जारी। 21 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में भी समन। यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार। सांपों के जहर से जुड़े केस में नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व,